प्रॉब्लम ये हो गया है कि तुमने रूही को अपने हवासों पे सवार कर लिया। आज उसकी तबीयत खराब थी, मैं क्या करती? अच्छा ना यार, तो जाओ तुम रूही के पास ही जाओ, मेरे पास क्यों आ गई हो? आप अपना कंपैरिजन उसके साथ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अनीशा, तुम हम दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रख पा रही हो। वो दरअसल ये चाहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक करेंगे तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। रूही, तुम फिर से वही सब बातें करने लगे। मैं जानती हूँ तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें चीजें बुरी लग जाती हैं, हर्ट होती हो, लेकिन चीजों को थोड़ा वक्त दो। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे यहाँ से चले जाने का कह देना चाहिए। वो यहाँ से चली जाएगी तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और देखो, उस दिन मैंने इस बात को ज्यादा बढ़ाया नहीं, पर मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मुराद और वजी भी इस बात पर ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक गलती। मुराद कौन थी वो लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुराद कौन थी वो? छोड़िए मुराद।